नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम आपको स्पीड प्लस 9 सॉफ्टवेयर के इजी बारकोड सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। स्पीड प्लस 8 के मुकाबले स्पीड प्लस 9 सॉफ्टवेयर में बारकोड स्टिकर डिज़ाइन करना और प्रिंट करना बहुत ही ईजी है। इसमें आप 10-12 करेक्टर का भी बारकोड बना सकते हैं। बारकोड को आप EAN13 फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, कोड 128 में लेना चाहते हैं, दोनों ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। ये वो फॉर्मेट हैं जो हर कंपनी इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स पे प्रिंट करती है। तो चलिए, अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आपने स्पीड प्लस 9 में बारकोड लेबल्स प्रिंट कहाँ से करने हैं। बारकोड लेबल्स प्रिंट करने के लिए आपने आइटम्स लिस्ट में आ जाना है, यहाँ से प्रिंट बारकोड लेबल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बारकोड से रिलेटेड वेरियस ऑप्शंस मिलती हैं। आप परचेज्ड आइटम्स के अकॉर्डिंग बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं, ओपनिंग स्टॉक के अकॉर्डिंग, या फिर प्रोडक्शन आइटम्स के अकॉर्डिंग, या फिर क्लोजिंग स्टॉक के अकॉर्डिंग बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं। अपनी ज़रूरत मुताबिक आपने ऑप्शन चूज कर लेनी है। ओके पर क्लिक करते ही आपको आइटम्स की लिस्ट मिलेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस भी आइटम का बारकोड आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको यहां से टिक कर दीजिए। आइटम्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी आप यहां पर डालेंगे उतने ही बारकोड प्रिंट होंगे। तो फाइनली प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो लीजिए, ये आपका बारकोड स्टिकर्स रेडी हो गए। इन बारकोड स्टिकर्स का लेबल फॉर्मेट आप बहुत इजीली खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका साइज, कलर, फॉन्ट्स, बारकोड स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई करने के लिए आपके पीसी में क्रिस्टल रिपोर्ट्स 8.5 सॉफ्टवेयर होना लाजमी है। डिस्क्रिप्शन में हमने इसका डाउनलोड लिंक भी दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट डिज़ाइन की मास्टर आरपीटी का पाथ आपको प्रिंट विंडो में ही मिल जाता है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। यहां पर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो आपकी मास्टर फाइल में सेव हो जाएगी और नेक्स्ट सभी बारकोड इन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही प्रिंट होंगे। पुराने स्पीड प्लस 8 में बारकोड लेबल को डिज़ाइन करना कंपैरेटिवली काफ़ी टफ था। उसमें इमेज को सेट करना, फाइल नेम को प्रॉपरली प्लेस करना और डेटाबेस की मैपिंग कराना, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। तो देखते देखते हमें भी यह महसूस हुआ कि इसकी डिप्लॉयमेंट इजी कर देते हैं, क्योंकि जितनी ईजी डिप्लॉयमेंट होगी उतनी ही फास्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि स्पीड प्लस 9 में आपको कोई भी बारकोड इमेज एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली फील्ड दिए हैं, बारकोड इमेज का भी एक फील्ड है, उसको आप कहीं भी रख सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इससे बारकोड की क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप किसी भी प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं, लेज़र प्रिंटर पे, बारकोड प्रिंटर पे, रोल प्रिंटर पे, थर्मल प्रिंटर पे, किसी भी प्रिंटर पे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। और किसी भी बारकोड स्कैनर से इस बारकोड को आप स्कैन कर सकते हैं, बिकॉज ये इंटरनेशनल बारकोड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने हुए बारकोड्स हैं। EAN13 एंड कोड 128, ये दो फॉर्मेट्स हम इसमें दे रहे हैं। एक लेमैन भी इन बारकोड लेबल्स को बहुत ईजीली डिज़ाइन कर सकता है। इसमें कोई भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में स्पीड प्लस 9 का फ्री डेमो वर्शन का डाउनलोड लिंक भी दिया है। इसको आप डाउनलोड करके 7 डेज तक अपने पीसी में चलाकर भी देख सकते हैं सॉफ्टवेयर को। तो इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं वो आप हमारी मेल आईडी पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लाइव चैट लिंक पे क्लिक करके हमसे लाइव पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऐसे वीडियोस रेगुलरली आते रहते हैं,
अगर आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस चाहिए तो नीचे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, खुश रहो।